गुड मॉर्निंग बच्चों। और बच्चों कैसे हो रहे हैं टेस्ट आपके? कैसी चल रही है रिवीजन? अच्छा, आप सब लोग टेस्ट दे रहे हो? लिख दो भाई कुछ, यस नो। तो चलो, आपके ये संडे वाले टेस्ट में एक क्वेश्चन था जिसका आंसर चेंज है, वो विस्कोसिटी वाला। ठीक है, बाकी आंसर्स तो बाकी सारे ठीक थे। वो कुछ दो प्लेट्स वाला था। ठीक है, आज ही कर लेंगे टेस्ट डिस्कस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो बच्चों अगर हम ग्रेविटेशन के की पॉइंट्स की बात करें, ग्रेविटेशन में सबसे अच्छी बात ही ये है कि सारा कुछ आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा है ना। मतलब आपने तो सीधा सीधा, जैसे वहां पे के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर है, ऐसे ही यहाँ जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर है। सब कुछ आप, बस के की जगह जी आ गया, क्यू की जगह एम आ गया, सब कुछ बस वैसे की वैसे चलता जाएगा। बताओ क्या डिफरेंस है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स में? दो हैं, एक तो ये कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओनली अट्रैक्टिव, और दूसरा यस, जो कैपिटल जी है, दैट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। फिर एज इलेक्ट्रोस्टैट्स में पता है हमें कि जो क्यू के होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। ठीक है,
एक सेकंड, हाँ बच्चों, तो इसके बाद बच्चों फोर्स आ जाती है। फोर्स सारा कुछ वैसा ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, ठीक है? कुछ आपको अलग से यहाँ पे नहीं पता होना चाहिए। सेम गोज विद फील्ड, ठीक है ना? फील्ड जो है वही ई इज इक्वल टू एफ बाय एम हो जाता है, ठीक है? तो पोटेंशियल यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो पोटेंशियल होता है वो माइनस जी एम बाय आर होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के क्यू बाय आर होता है, यहां पे जी एम बाय आर होता है, माइनस जी एम बाय आर, माइनस का ध्यान रखना है। एंड लाइकवाइज जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपकी माइनस जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर बन जाती, आर बन जाती है, ठीक है? मतलब एक ये माइनस साइन का बहुत ध्यान रखता है पोटेंशियल एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी में। और एग्जैक्टली लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स, एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? मतलब वो पेयर्स बना के सबका माइनस जी एम वन एम टू बाय आर को ऐड कर देंगे, एंड इसके अंदर कितनी टर्म्स बनेंगी, एन एन माइनस वन बाय टू। तो बच्चा आप एक बात ये समझ सकते हो ऑफ कोर्स, है ना, कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो जो टर्म्स थी वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप्स की थी, यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स ही नेगेटिव आएंगी, राइट? क्योंकि एम वन एम टू तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही है। तो अब जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स, हम यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स हम गॉस लॉ यूज कर लेते हैं, यहां पे हम ऐसा बोलते नहीं है गॉस लॉ, बट उसकी एप्लीकेशंस तो वही सारी बन जाती हैं कि जैसे बच्चों यूनिफॉर्म शेल है, मान लो यूनिफॉर्म व्हाट इज द ई इनसाइड, जीरो। व्हाट इज द वी इनसाइड, के क्यू बाय आर।
दिस विल बी इक्वल टू वी सरफेस विच विल बी माइनस जी एम बाय आर, राइट? ई आउटसाइड क्या होगा? जी एम बाय आर स्क्वायर, और वी आउटसाइड होगा माइनस जी एम बाय आर। अगर बच्चों यूनिफॉर्म सॉलिड होगा तो क्या हो जाता है? ई इनसाइड नहीं मनमंदर, वो फोर्स जीरो होगी जो आप कह रहे हो। बच्चों इस केस में व्हाट इज वी इनसाइड? बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करो, सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, इसके करेस्पॉन्डिंग ग्राफ्स जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में बात की थी राइट अभी रिसेंटली, बिल्कुल वही सेम ग्राफ्स बनेंगे। राइट, अब यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक आ जाता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैट्स, दैट इज अच्छा। हाँ, बिफोर कमिंग टू दैट, तो बच्चों आपका ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि जान के उसको वो इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करने के लिए आपको पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये मास एम रखा हुआ है, ये कोई सरफेस है, फाइंड ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू सरफेस। क्या आएगी बच्चों बताओ?
बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा इसके, इसमें सही बोलो भाई। अरे बस क्या बन जाएगा अगर मैंने यहाँ क्यू रखा होता मास, तो आप आंसर क्या कहते? ε₀ है ना, अब उसका इक्विवेलेंट बना दो, क्यू की जगह एम आ गया। अब ε₀ का इक्विवेलेंट कैसे बनेगा? आपका जी है 1/4 πε₀, राइट? तो 1/ε₀ की वैल्यू क्या बन गई? 4π g। तो ये बन गया m × 4π g, ठीक है? तो ये आंसर बन गया आपका। अंडरस्टूड बच्चों? तो बिल्कुल जैसे आप, नहीं ग्रेविटेशन में एप्सिलॉन नहीं होता, ग्रेविटेशन में तो जी होता है, बट हमें ये पता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का 1/4 πε₀ और ग्रेविटेशन का जी एक ही बात है। तो मतलब आप ये सोच लो बच्चों कि जितने आपके कोई फ्लक्स वाले क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रोस्टैट्स के, है ना, सारे के सारे यहां पे अप्लाई हो सकते हैं, बस ये टर्म चेंज करके। ठीक ओके okay। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया? एक तो इसका फॉर्मूला, एक बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, है ना, ये खैर मैंने आपको पहले ही बताया, अपने फॉर्मूलाज में कहीं कैपिटल आर यूज होता है, कहीं स्मॉल आर यूज होता है, राइट? तो क्या ध्यान रखना है हमें कि कहाँ कैपिटल आर है, कहाँ स्मॉल आर है। कैपिटल आर मतलब जो रेडियस है प्लैनेट्स के, स्मॉल आर है मतलब जो जनरल डिस्टेंस है। तो ये आपका बच्चों जी का फॉर्मूला है। यू गेट सच क्वेश्चंस कि मास चेंज कर दिया, रेडियस चेंज कर दिया, बताओ क्या होगा जी को, फिर इसकी वेरिएशंस हाइट के साथ। यस, ऑल डिस्टेंसेस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लैनेट्स। किसी भी हाइट एच पे बचो ये फॉर्मूला बन जाता है, और ये बन जाता है फॉर स्मॉल हाइट्स। तो ये एक ध्यान रखना होता है कि कब कौन सा रिजल्ट लगाना है, ठीक है? अगर जी में ज्यादा बड़े चेंज की बात हो रही है तो हम ऊपर वाला रिजल्ट लगाएंगे।
डेप्थ में बचो, एक ही फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1 - d/r। इसका बचो हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जी का, तो दिस इज न्यूमेरिकली सेम एज ई, राइट? फिर बच्चों जी पे फर्क पड़ता है शेप ऑफ अर्थ के कारण। उस कारण से क्या हो जाता है, जो पोल्स पे जी होता है वो इक्वेटर से थोड़ा ज्यादा होता है, एंड जी पे इफेक्ट होता है रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण भी। इसका क्या फॉर्मूला बन जाता है बच्चों? डी डैशेस ओके ये लिख लो बच्चों। बेसिकली ये फॉर्मूला ना डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे, कि क्या लैटिट्यूड होता है रोटेशन का, अर्थ का, प्लैनेट का, ठीक है, किसी पॉइंट का। तो वो एंगल अल्फा हो गया इस तरीके से, तो उसका, और इसमें दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन ओमेगा ऑफ अर्थ। तो ये बन जाता है फॉर्मूला बच्चों, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर के लिए अल्फा क्या बन जाएगा? बोलो बच्चों। ये मतलब बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्टेंट लेके ना उससे निकलता है।
अल्फा क्या है? देखो बच्चों, अर्थ के सेंटर और अर्थ के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे सरफेस पे, उसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल, जो आप ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते थे, लैटिट्यूड्स, बिल्कुल वही चीज है। तो बताओ इक्वेटर के लिए अल्फा क्या हुआ? 0। पोल्स के लिए क्या हुआ? 90, है ना। ओमेगा क्या हुआ बच्चों वैसे अगर हमें निकालना हो? ये इससे निकल आएगा ना आपका, T4 hours is 2π/ω, राइट। तो इससे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है बच्चों एस्केप वेलोसिटी। अब इसको बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। मुझे बच्चों बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्केप वेलोसिटी? इसका मतलब होता है कि हम कह देते हैं कि ऐसी स्पीड जिससे कि स्मॉल एम इंफिनिटी पे चला जाएगा, करेक्ट। इसको और किस तरीके से सोच सकते हैं हम? इसको बच्चों हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि आप सोचो कि अभी ये एक स्मॉल एम और कैपिटल एम का सिस्टम है, राइट, जो आपस में चिपके हुए हैं। तो दिस इज ऑल्सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सिस्टम। ठीक है, इसको बच्चों आप बिल्कुल उससे कंपेयर करो जैसे हम 12th में कई चैप्टर्स में पढ़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी हो गई या कुछ हो गया, मतलब ये वो एनर्जी है जिससे कि ये पार्टिकल्स अलग-अलग हो जाएंगे, राइट। और चलो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, हम वो करते हैं ना जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जो मान लो हाइड्रोजन एटम है तो वहां पे उसकी हम एनर्जी कितनी बोलते हैं? -13.6। तो हमें वहां कितनी एनर्जी देनी होती है इलेक्ट्रॉन को जिससे कि वो अलग हो जाए एटम से? 13.6, है ना। मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, हम टोटल एनर्जी को जीरो कर रहे होते हैं। तो बच्चों जब कोई बाउंड सिस्टम होता है, ठीक है, अगर कोई बाउंड सिस्टम होता है उस बाउंड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, राइट। अगर हमने उस बाउंड सिस्टम को तोड़ना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि जो भी एनर्जी है उसको हम एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी दे देंगे ताकि टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, ठीक है।
तो जब भी किसी बाउंड सिस्टम को की एनर्जी आप जीरो कर दोगे तो वो सिस्टम अनबाउंड हो जाएगा, वो सिस्टम अलग हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर भी हम जो करते हैं, आप सोचो इस सिस्टम की एनर्जी अभी क्या है, माइनस जी एम बायर। अब आप इसको एनर्जी दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, जिससे कि टोटल जीरो हो जाए। तो इससे आपके पास एस्केप वेलोसिटी निकल आती है, विच इज रूट टू जी एम बाय। अंडरस्टूड बच्चों? तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज कि अगर वो कोई और सिचुएशन बना के भी वहां पे पूछ लें एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, तो बस आप तो माइंड में यही रखो कि बस हमें तो टोटल एनर्जी जीरो करनी है, उससे निकलेगी अपने आप एस्केप वेलोसिटी। एंड देन वी हैव सैटेलाइट मोशन। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अगर कोई मास एम की सैटेलाइट ऐसे एक प्लैनेट के अराउंड घूम रही है इन अ रेडियस आर, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, तो एम एम कट गया, यहां से वी आ गया। बच्चों इन क्वेश्चंस में ना ये ध्यान रखना है आपने, जैसे ये आर जो है वो सेंटर से है, ठीक है, हमने हर जगह हर फॉर्मूला में जो आर लिया है वो सेंटर से लिया है, कई बार वो क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो सरफेस से दे देते हैं, है ना, तो वो ध्यान रखना है कि आप उसको कन्वर्ट कर लो सेंटर से। तो बच्चों ये बन गई ऑर्बिटल वेलोसिटी, इससे हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं 2 पाई आर बाय वी। तो इससे हमारे पास आ जाता है कि जो टाइम है वो प्रोपोर्शनल टू आर एस टू पार 3/2 है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बन गई माइनस सी एम बायर, राइट, और ये टोटल बन गई माइनस सी एम बाय 2 आर। तो अगर यहां पे भी आपको पूछा जाए कि भाई कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दें हम जिससे कि सैटेलाइट अलग हो जाए प्लैनेट से, तो भी आप क्या करोगे, बस इतनी एनर्जी जिससे कि टोटल एनर्जी जीरो हो जाए। तो अगर हम इसी की एक्सटेंशन करें बच्चों, वो ऐसे भी हो सकता है जैसे यहाँ पे हमने, यहाँ तो हमने बस एक बड़ा मास माना है और एक छोटा मास उसके अबाउट घूम रहा है,
इसको बच्चों हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें हम कहते हैं जैसे टू स्टार सिस्टम, टू स्टार सिस्टम का मतलब होता है जहां पे M1 M2 दोनों रोटेट कर रहे होते हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, तो मान लो M2 भारी है, तो M2 इस तरह से रोटेट कर रहा होगा और M1 इस तरीके से कर रहा होगा। ये मतलब मैथमेटिकली डिराइव किया जा सकता है कि ये जो रोटेशन होगी वो सीएम के अबाउट ही होगी। ओमेगा सेम का रीजन तो ये है ना कि वो एक दूसरे के आमने सामने ही होना पड़ेगा उन्हें हमेशा, अदरवाइज तो मतलब उन्हें फोर्स ही नहीं मिलेगी एक दूसरे से। इस केस में किसी को याद है टाइम पीरियड क्या होता है? अच्छा, इसमें आपने बच्चों सबको ये समझ आ रहा है कि दोनों का ओमेगा सेम होगा? है ना, क्योंकि उन्हें हमेशा एक दूसरे के आगे पीछे ही होना पड़ेगा। तो बच्चों इस केस में ये एक रिजल्ट आप याद रख सकते हो। मतलब यहाँ जो आंसर डिपेंड करता है बच्चों वो दोनों के ना बीच के डिस्टेंस पे करता है।
मतलब इतना भी पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि मतलब जो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है, मतलब जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब आ रहा है, वो एल इज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स। ऐसे बन और भी सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैं फोर का बनाऊं तो उसमें क्या होगा, जो फोर मतलब ये फोर वाला आइडेंटिकल के लिए बनेगा, इस तरह से। तो इसमें भी आपको करना यही होगा कि मतलब किसी एक पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लोगे, वो तीन तरफ से लग रही होगी, ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ आ जाएगी, तो उसको इक्वेट कर दोगे विद सेंट्रीपिटल फोर्स जो उससे निकल आया, ठीक है। फिर आता है बच्चों केपलर्स लॉस, केप्लर्स लॉज में देखो बच्चों क्या क्या आ जाएगा। इसमें पहला क्या होता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, ठीक है, विद सन एज फोकस, राइट। सेकेंड होता है एरिया वेक्टर, स्वीप्स, पोजीशन वेक्टर, स्वीप्स इक्वल एरियाज एंड इक्वल टाइम्स, तो यहाँ बच्चों हम एक क्वांटिटी लिखते होते हैं डीए बाय डीटी। डीए बाय डीटी का क्या मतलब है, कितना एरिया स्वीप हो रहा है पर यूनिट टाइम। ये क्वांटिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू एल बाय टू एन, तो यहाँ पे एल क्या है एंगुलर मोमेंटम, एम क्या है मास ऑफ प्लैनेट। और थर्ड होता है जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्या होता है बच्चों, जैसे ऐसे एलिप्स है तो जो ये वाला डिस्टेंस होता है इसको हमें कहते हैं, अच्छा बच्चों एक बात हम और भी करें, जब एक प्लैनेट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है क्या क्या क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती हैं। एक तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है और एक मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इंडिविजुअली हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट नहीं कह सकते,
बट हाँ उनका जो सम होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इनफैक्ट हम ये बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, उसको क्या होता है कि वेलोसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये एक चीज बचो इंटरेस्टिंग है, जो आपकी सर्कुलर में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/√r के, ठीक है ना। एलिप्टिकल में जो वेलोसिटी होती है वो 1/r के प्रोपोर्शनल होती है, राइट right? ये गलती मत करना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन। अब SHM में देखो बच्चों, हमें क्या कुछ पता होना चाहिए। जो सबसे पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी चाहिए SHM में, दैट इज द इक्वेशन इटसेल्फ। SHM में इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, करेक्ट। तो ए एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, फाइव इनिशियल फेज हो गया, ठीक है। पहली बात जो हमें यहां बच्चों समझनी है, मतलब किस केस में फाई आई की क्या वैल्यू होती है बच्चों। SHM का फिजिकली मीनिंग क्या होता है, जब एक पार्टिकल ऐसे एक मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो फाई आई की वैल्यू इस पे डिपेंड करती है बच्चों कि टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ है, ठीक है। अगर तो टी इक्वल टू जीरो पे आपका पार्टिकल यहां पे है मेन पोजीशन पे, तो दिस मींस फाई इक्वल टू जीरो। अगर वो टी इक्वल टू जीरो पे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो दिस मींस फाई इक्वल टू फाई बाय टू, ठीक है बच्चों। तो जनरली ये दो केसेस में आपको मतलब ध्यान रखना होता है कि मतलब कई बार इक्वेशन आपकी ऐसे लिखी होती है सिर्फ ए साइन ओमेगा टी, और कई बार लिखी होती है ए कॉस ओमेगा टी, है ना। तो भाई किस केस में साइन ओमेगा टी आएगा, किस केस में कॉस ओमेगा टी आएगा, ये हम हमें ध्यान रखना है। तो अगर तो मीन से स्टार्ट किया है तो साइन आएगा, अदरवाइज कॉस आएगा। ठीक है बच्चों, इसी का एक और हम ना इलैबोरेट फिगर बना सकते हैं जिससे
काफी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, जो मेन पोजीशन है मिनट के लिए, मान लो कि पार्टिकल ने मेन पोजीशन से स्टार्ट किया टी इक्वल टू जीरो पे, तो ये हो गया टी इक्वल टू जीरो फेज इक्वल टू जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में टाइम क्या हो जाता है, टी बाय फोर फेज हो जाता है पाई बाय टू। ठीक है, अगर हम इन दोनों का मिड बनाए ए बाय टू, यहां बच्चों फेज क्या हो जाता है, पाई बाय सिक्स, और टाइम क्या होता है, टी बाय ट्वेल्व। ठीक है, इससे थोड़ा सा पहले एक पॉइंट बनता है, जहां पे आपका फेज पाई बाय फोर हो जाता है। ठीक है, मतलब हमें दो सिचुएशंस को अलग ध्यान से समझना है, कब फेज का आधा हो रहा है और कब डिस्प्लेसमेंट का आधा हो रहा है। ठीक है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुई होगी ए बाय रूट टू, ठीक है बच्चों। तो ये आपको दो पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि ए बाय टू पे क्या हो रहा है और ए बाय रूट टू पे क्या हो रहा है। देखो ध्यान से, ठीक है, ए बाय रूट टू का मतलब है फेस का हाफ, मतलब पाई बाय टू का हाफ, तो फेस पाई बाय फोर हो गया। और ए बाय टू है जहां मतलब डिस्प्लेसमेंट का हाफ हो गया। मतलब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम यहां पे टाइम निकालेंगे तो ये टाइम आपका मैंने गलत बना दिया, ए बाय रूट टू तो बच्चों आगे बनेगा ना, ये तो 0.5 ए से बड़ा हुआ ना। इसको यहां बनाओ, ठीक है, तो एक पॉइंट है जहां पे टाइम का आधा हो गया और एक पॉइंट है जहां डिस्प्लेसमेंट का आधा हो गया, वो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आधे टाइम में आधी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड कोई कांस्टेंट नहीं है, इसकी स्पीड वेरिएबल है।
ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? ओके नेक्स्ट बच्चों, हमें पता कैसे चलता है कि कोई इक्वेशन SHM है कि नहीं है? कोई इक्वेशन SHM कब होएगी? जब वो एक सिंगल साइन या फिर कॉस फंक्शन होएगी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लूं, साइन ओमेगा टी ये होगा, कॉस ओमेगा टी ये होगा, ये होगा बच्चों। बताओ टैन वाला होगा? कोई बोल क्यों नहीं रहा कुछ आज? चलो मैं भी नहीं बोल रहा हूं। ये नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, तो ये होगा। इसको हम, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगा के। ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी होगा। ये होगा बच्चों? होगा। ठीक है, और लेकिन अगर आप इसको मतलब आप अगर ओमेगा चेंज कर दोगे तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर तो आप सेम ओमेगा वाली टर्म्स को ऐड कर रहे होगे तो होएगा, चाहे दो हो चाहे तीन हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जैसे ही आपका ओमेगा अलग हो गया, फिर वो SHM नहीं होगा कभी भी। ओके
नेक्स्ट आ जाता है बच्चों वेलोसिटी इन SHM। वेलोसिटी इन SHM क्या होती है? वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब ये तब है अगर ऊपर साइन नहीं माना हुआ आपने, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी वो ए ओमेगा आएगी। और एक्सेलरेशन इन SHM बनती है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आपको ख्याल होगा कि यही फंडामेंटल, मतलब यही कंडीशन होती है SHM की। अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आती है, ठीक है, तब हम वहां पे कहते हैं कि बॉडी SHM कर रही है। यही तरीका होता है किसी भी केस में चेक भी करने का कि एक बॉडी SHM कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। वो बन जाएगी हाफ हाफ एम वी स्क्वायर करना है बस ना, हाफ इसमें साइन आ जाएगा। और जो इसका सम होएगा बच्चों वो कांस्टेंट होएगा, राइट। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों दैट इज डबल ऑफ SHM, मतलब जो मोशन की फ्रीक्वेंसी है उसका डबल है। क्योंकि यहां देखो फिर से कॉस स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2 ओमेगा आ जाएगा, है ना। तो मोशन में सिर्फ ओमेगा है तो एनर्जी में 2 ओमेगा आ जाता है। ये बच्चों इक्वेशन पे बेस्ड जो टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि मतलब 0 से a/2 जाने में कितना टाइम लगा, a/2 से a जाने में कितना टाइम लगा, एंड सो ऑन, ना वो इक्वेशन में पुट करके हम निकालते होते हैं। इसके अलावा तो अब आपको जो मतलब नेक्स्ट पता होना चाहिए वो है स्टैंडर्ड केसेस टाइम पीरियड के, है ना, कि पेंडुलम का हो गया, स्प्रिंग ब्लॉक का हो गया, तो पेंडुलम का बच्चों आपको ना मतलब याद ही ऐसे रखना चाहिए जी इफेक्टिव, कि और भी अगर कोई केस बना दें हम इसके तो जी इफेक्टिव कैसे निकलेगा। जैसे इसमें जो केसेस बनते हैं वो ये बनते हैं कि आप
मतलब कुछ ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हो, नीचे एक्सेलरेट कर रहे हो एंड सो ऑन। तो बस आपने जो भी जी वेक्टर है और ए वेक्टर जो दिया होगा उसका रिजल्टेंट लेके निकाल लेना जी वेक्टर, मतलब सब्ट्रैक्ट करके। स्प्रिंग्स में कई बार मल्टीपल स्प्रिंग्स लगे होते हैं, उनका सीरीज पैरेलल आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? ये कैपेसिटर्स जैसे होते हैं सीरीज में, ये वाला केस बनता है। पैरेलल में ऐसे चलता, ठीक है बच्चों। फिर कुछ और मतलब तीन चार स्टैंडर्ड केसेस से होते हैं ना, जैसे ये हो गया, फिर एक टनल इन अर्थ हो गया, उसका 2π√r/g होता है। अगर इलास्टिक वायर हो अगर ऐसे बच्चों कोई ब्लॉक है पानी में जिसमें उसकी लेंथ एल पानी में है, तो इस केस में भी टाइम पीरियड 2π√l/g बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ केसेस आपको मतलब स्टैंडर्ड पता होने चाहिए। और बच्चों कोई और डाउट आपके माइंड में? ठीक SHM में ये कंडीशन होनी जरूरी है, वो जो हमने लिखी है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऑसिलेशन में ये जरूरी नहीं होती। मतलब SHM इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके बच्चों, टेस्ट कर लें डिस्कस।
हाँ बच्चों, इसमें बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन में आप बल्क मॉडुलस वाला फॉर्मूला कि बल्क मॉडुलस इज माइनस वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी, और डेल्टा पी आपको पता है रो जी एच होगा, और वॉल्यूम चेंज से आप डेंसिटी चेंज निकाल लोगे। तो वैसे यार ये क्वेश्चन तो आप डायमेंशनली भी कर सकते थे, तब गलत होना नहीं चाहिए था। आगे इसमें क्या, बस वो रो जी एच रूट टू जी एच लगाना। बस इसमें ये फर्क है कि नहीं, सीधा रूट टू जी एच नहीं लगेगा क्योंकि वो प्रेशर कुछ और है, तो आपको मतलब इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तब एक ये पॉइंट और एक जहां पे होल किया है हमने, तो ये 1 बोल दो 2 बोल दो। 1 का प्रेशर आपको दिया हुआ है, 2 का एटमॉस्फेरिक हो गया, और इन दोनों में हाइट आपको पता है, तो इन दोनों के बीच में बर्नौली लगा दो, उससे निकल आएगा। आगे बच्चों, टेन मैक्सिमम ऑफ डबल स्लिट पैटर्न, इसमें कितनी विड्थ हो गई, 10 बीटा है ना। सिंगल स्लिट की क्या होती है, 2 लैम्डा d/d। तो उसको इक्वेट कर दो, 2 लैम्डा d/d को 10 बीटा से इक्वेट कर दो। थर्ड में जो वैक्स मेल्ट नहीं कर रही, वो तो मतलब वो तो बर्न कर रही है ना, तो वो तो खत्म ही हो जाएगी वैक्स।
उन्होंने कहा है कि पहले 0.2 है, जब अब उसको आप वाटर के अंदर ले गए तो क्या होएगी? तो बस वो 0.2 को म्यू से डिवाइड कर दो, आगे थर्ड में बस आप मतलब ये मानो कि मतलब जैसे जो उसका वैक्स का मेल्टिंग का रेट दिया हुआ है उसके हिसाब से वो उतनी वैक्स खत्म हो गई, अब जो बची वैक्स वो किस तरह से पानी में रहेगी? थर्टी टू में बस लैम्डा कम हो गया, उसके हिसाब से देखो क्या हो जाएगा। सर एक बार बता दो सर, इसमें बहुत मतलब समझ नहीं आता कि सर अगर लैम्डा कम होगा तो क्या होगा, लैम्डा ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो एक बार क्लियर करा दो। सी लैम्डा कम होगा तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, तो मतलब ब्रांड्स जो बैंड्स हैं वो पास पास आ गए। डन बच्चों, फोर्टी थर्ड में आंसर मतलब डी आएगा। ठीक है बच्चों, डन। चलो अगली क्लास में फिर इन शीट्स की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।